आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में मत्था टेका। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। तो चलिए आपको दिखाते हैं उपराष्ट्रपति नायडू के दौरे की झलकियां हमारी इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या की बात हो तो भगवान राम का जिक्र होना लाजमी है। अयोध्या धाम में हर तरफ राम का भजन कीर्तन होता है और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई पड़ती है। वीआईपी नेता हो या साधु संत, हर कोई अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण का साक्षी बनना चाहता है। यही वजह है कि देश प्रदेश के तमाम बड़े नेता यूपी की तीर्थ नगरी अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम पधारे। लखनऊ से स्पेशल ट्रेन के जरिए अयोध्या स्टेशन पहुंचे वेंकैया नायडू का यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ने जोरदार स्वागत किया। अपने परिवार के साथ आए उपराष्ट्रपति नायडू ने राम मंदिर निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के साथ राम जन्मभूमि परिसर के गर्भगृह में दर्शन पूजन किया और फिर हनुमानगढ़ी जाकर मत्था टेका। उपराष्ट्रपति नायडू राम की नगरी अयोध्या के बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लिए रवाना हुए। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शनिवार की सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू काशी विश्वनाथ धाम समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्थित स्मृति स्थल जाएंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति नायडू बाबतपुर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के उपराष्ट्रपति अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे। इससे पहले जब महामहिम राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा हुआ था, उस समय भी अयोध्या रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया था। कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भी देखने को मिला। अयोध्या और वाराणसी नगरी आस्थामयी होने के साथ साथ अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी जानी जाती है। इन दोनों ही शहरों से लोगों का खास जुड़ाव है, चाहे वो आम जनता हो या फिर कोई राजनेता। भगवान का दरबार सबके लिए हमेशा खुला रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उत्तर प्रदेश आए हुए हैं, खासतौर से वो अयोध्या में दर्शन करने, साथ ही काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी आए हैं। उन्होंने राम मंदिर का जायजा भी लेंगे और साथ ही साथ बाकी तैयारियों के बारे में भी देखेंगे। लेकिन उनका ये दौरा काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिस तरह से बाकी नेताओं ने किया, ये काफी अहम रहा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।